खुशियाँ मिली
खुली अभी ऐसे एक महिमा याद आ रही है, कली हुआ महिमा
एक क्षण में कुछ ऐसा अनुभव होता है कि जैसे तो वो दिख जाता है, जैसे कुछ होता हुआ, क्या हुआ कि मेरा था, मेरा कुछ अनपेयर अनपेयर करा, सब करा, रात दिन इसी से खेलते रहते हैं हम लोग, फोन लैपटॉप सबसे, लेकिन नहीं हो रहा था। दुकान में दिखा लिया, नहीं हो रहा है, फिर बैठा, कल रात को मैंने चलो ट्राई करते हैं कुछ, वो कुछ मिला और वही चीज सेटिंग, मतलब पढ़ा भी था, पढ़ के भी नहीं कर पा रहे हैं, और उस समय देखा उसमें कुछ लिखा था एक साइड पे कुछ, तो मैंने वो कैसे करा और वो हो गया, और उस समय ऐसी हंसी आई कि मतलब इससे पहले कौन सा मैं गधा था और अभी मैं कौन सा बड़ा होशियार हो गया सब होता था, सब पढ़ के कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, अभी हो गया, तो मतलब एकदम से लगा कि देखो मतलब जैसे कहते हैं बत्ती जल जाना, ज्ञान में भी ऐसे होता है, कहते हैं ना प्रयास प्रयास प्रयास, लेकिन हम ये कहें प्रयास कर रहे हैं हो नहीं रहा है, हाँ प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा, लेकिन कब वो हो जाएगा ये भी नहीं पता। तो कई बार जैसे सेम वही ज्ञान में, ये पत्ते पेड़ पौधे पत्ते भी ऐसे होते ना, अब खाद भी डाल रहे हैं, पानी भी डाल रहे हैं, लेकिन अचानक पत्ता आ जाता है, तो अब वो कब वो अचानक है, अचानक भी नहीं है लेकिन आता अचानक ही है। तो बड़े अलग अलग से इस तरह की हंसी सी आई कि देखो क्या लीला है, कहीं कहीं दिखता रहता है, वो भी जब बोला कि कब चमकेगा, कब वो खुल जाएगी किस्मत पता नहीं, बैठे रहते हम पे आते रहते सुनते भी रहते, बट ऐसा ऐसा कई बार अनुभव होते मेरा इसमें है ना, खुशियां मिल जाती है, अन्यथा संसार में भौतिक उपलब्धियों के बाद भी खुशियां हमारे हिस्से में हो का तो था ही नहीं, करते अपने पराए सब पे, लगे वाले भी सब पे, सब सामान भौतिक पे, लोग प्यार करने वाले भी तैयार रहे, लेकिन फिर भी अपना मन हमेशा दुखी रहता, हमेशा खुशियां ही नहीं थी, क्यों हमेशा दोष दिखता, दोष प्रवृत्ति से हर बात में दोष ही दिखता था, क्योंकि मन बड़ा स्वार्थी है, मन इतना स्वार्थी है कि उसको हर समय जरा सा उसे अपने विपरीत दिखता है कि वो तुलबुला होता है, परेशान हो जाता है, और यही मन देखना जब गुरु जी सिखा देते हैं गुरु जी के विचार से चलते चलते, तो उस मन से हट जाते, उस मन से बच जाते, बस इतना ही तो, लेकिन ये हटना बचना गुरु की कृपा के बिना संभव नहीं, हम चाहें कि हम अपने आप बच जाएं अपने मन से, हम चिंता से अपने आप मुक्त हो जाएं, हमारे सारे अभावों में भी, भाव में तो बिल्कुल सभी कुछ दिख जाता है, अब उपलब्ध है उसमें भी हम नुक्स निकाल लेते हैं, लेकिन गुरु जी ने तो वो दृष्टि प्रदान कर दी कि अभावों के बीच में अपने जलवे दिखाने लगे, मतलब बुद्धि में उनकी शुक्राना आ गया, उनका बुद्धि ने तो शुक्राना ही नहीं करना जानती थी, खुशी हर समय कमी कमी कमी, मन तो हमेशा स्वार्थी, रचना भी है संसार, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है, ये हमारी वृत्ति गड़बड़ है, नहीं बिल्कुल, मन की वृत्ति तो अपने आप में सही है, और यही मन करता, इसमें तो कोई गलत आया ही नहीं, मन तो यही चाहता है यही करता है, लेकिन गुरु जी ने क्या दिया, गुरु जी ने कहा तो मन से हट जाओ, उन्होंने पत्ते नहीं, उन्होंने जड़ ही उखाड़ दी, कहा तुम मन से हटी रहो, मेरे मन से मिली रहो, मेरे मन से मिलने का सबसे पहले तो सबसे पहला यही था कि गुरु जी ने बड़ी अच्छी बात बताई थी, लोग कहना चाहिए ज्ञान में बच्चे इस तरह से बोलना चाहिए कि नए नए गुरु जी के पास पहुंचे थे, तो उन्होंने बस एक बात बोली थी, जो बुराई तुम्हारे अंदर होती है वही तुम्हें दूसरे में दिखाई देती है, ये बहुत छोटी सी बात बताई थी और बड़ी छोटी सी बात यहाँ दस गई थी, हाँ अपनी बुराई ही सामने वाले में दिखती है, क्योंकि मेरे अंदर पहले है तब हमें सामने वाले में दिखाई दे रही है, अब गुरु जी पर विश्वास
क्या करें कि बहुत बुराई दिल भर दिखाई देती है लोगों में ऐसा तो दिन भर ऐसा है, लेकिन वो मन का स्वरूप है, वो मेरा स्वरूप नहीं है। लेकिन यही तो गुरु जी ने बता दिया, अभ्यास कर रहे तो उस समय तो जानते नहीं थे कुछ, लेकिन क्या था छोटी सी बात होती थी कि यार बोलेंगे बुराई अगर इनकी तो अपनी बुराई पता चल जाएगी। अब इसलिए गुरु जी से शिकायत करने का मन होते हुए भी किसी की शिकायत नहीं करते थे। गुरु जी के घर में रहे सत्संगियों का बहुत कुछ हो लेकिन बोले ना, क्योंकि गुरु जी तो उंगली काट देंगे, तो कहेंगे तुम्हारे अंदर पहले बुराई है, और अपनी बुराई कौन चाहता है, सोच के देखो क्या हम चाहते हैं या आप चाहते हैं, कोई नहीं चाहता। तो अपना अपमान कोई नहीं चाहता है, और गुरु जी को तो ये बात पता चल जाएगी, ये भेद पता चल जाएगा कि क्योंकि वो जानते हैं, उन्होंने तो बताया है कि तुम अपनी बुराई बताती हो किसी की तो वो तुम्हारे अंदर पहले होती है, तुम देखती हो पहले तुम्हारे अंदर होती है। अब इस चक्कर में वाणी से नहीं बोलते थे, लेकिन जब मन में तो रहती थी, दिल में तो रहती थी। फिर उसके बाद जब गुरु से हटे अपने घर में आए तो सत्संगी अगल बगल ये कृपा तो ये गुरु जी की कृपा कि वो प्रीति सुनीता सब सब सत्संगी ये लोग, ये अनिता कई लोग सत्संगी ऐसे थे जो रहते थे, तो वो जो है अब सत्संगी और सबसे ज्यादा विभो वो तो हर वक्त घर में, और वो उसकी नजर हर वक्त मुझ पे, क्योंकि वो लड़की थी उस घर की, उसे काम ना था अपने काम करने बाकी कुछ, और उसकी लग गई थी प्रीत गुरु से, तो वो सर मुझे ही देखती रहती थी ऊपर खड़ी हुई सज्जे से, एवरी टाइम देख रही है मुझे, जब देखो तब देख रही है। तो अब उसके वो देख रही है तो भैया गुरु जी ही देख रहे हैं, चक्कर में सत्संगी देख रहा है, इसलिए अपनी इंद्रियों को साधना पड़ता था, नहीं तो भैया बात गड़बड़ नहीं हो जाएगी कि गुरु जी का ज्ञान तो ये ले रही है लेकिन करती है ये। तो कबीर दास जी की बात समझ में आई, कितना अच्छा है कबीर दास जी ने, कितना अच्छा दोहा अपने अनुभव से लिखा, निंदक नियरे राखिए आने बिन साबुन बिन पानी निर्मल करत स्वभाव। एक हर समय गिद्ध की दृष्टि रखने वाला अगर सामने है जो आपको चेक कर रहा है तो आप हमेशा सच्चे, क्यों आपको अपने गुरु से प्यार है और गुरु तक पहुंच ना जाए ये बात, तो आप अपनी इंद्रियों को साधे हुए, तो ये भी तो कृपा गुरु जी की हुई। अगर बगल में कोई ना होता तो मनमाना जो चाहते सो करते, और ठीक है तो गुरु के सामने भी करते रहेंगे और कहते हैं कि हम ज्ञानी हैं। तो बोले डर कहाँ है, प्यार कहाँ है, भय कहाँ है, कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं है। हम तो मनमाना ज्ञान लेने को कह, मन के साथ ही जुड़े रह के ज्ञानी होने का दंभ करना है, ज्ञानी है नहीं, प्रेमी है नहीं, दंभ करना है। तो ये हम सब का स्वरूप है मन का, हम सब के मन का स्वरूप है, लेकिन अब इस मन से ही हटो तो मजा लो दुख में भी। कहते गुरु जी तुम क्या मिले कि खुशियां मिलने लगी, मतलब गर्मी लग रही है लेकिन हट गया गर्मी से कि यार वाणी से नहीं बोलना है, तकलीफ में नहीं रहना है, क्योंकि गुरु जी ने कहा है शरीर को गर्मी लग रही है तुम्हें थोड़ा ना लग रही है, तो तुम्हें जो अब रहना तुम्हारी नियति है, इस गर्मी में धूप में जाना तुम्हारी नियति है, आग के पास बैठना तुम्हारी नियति है, क्योंकि खाना पीना बना के देना है, तो तुम गर्मी 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 का जाप करती रहोगी तो तुम एक और एक मिलके 11 हो जाओगे, मन के साथ मिलोगे तो 11 हो जाओगे, तो 11 होने का काम क्यों कर रही हो, क्यों नहीं तुम अपने आप को संभाल रही हो गुरु के विचार से अपने, क्योंकि तुम अब गुरु की हो, तो गुरु के विचार से अपनी इंद्रियों को क्यों नहीं खोल और बंद कर रही हो, गुरु ने तो मना किया, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, एक तकलीफ है, लेकिन वाणी से बोलो क्यों, तकलीफ का उपाय करो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उपाय के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन जो इतना बोलना होता है व्यर्थ का, तो अपनी ही तो शक्ति किसको मिला दी, किसको दे दी, मन को, अब मन को दे दी तो क्या, मन तो प्रबल छुट्टा सांड की तरह से हो जाता है जिस पर किसी की लगाम नहीं,
अपने को ज्ञानी भक्त और पता नहीं क्या क्या मानते हैं। हम किसी के कब्जे में नहीं, मन किसी के कब्जे में, लेकिन गुरु जी जब मिले तो उन्होंने मन को कब्जे में लेना शुरू कर दिया, चिट्टे साल पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया। देखा नहीं, नकेल डाल डाल के जो है ना रास्ता डाल देते, क्या खराबी के लिए, नहीं वश में कर। तो अगर गुरु ने वश में किया है तो क्या गलत किया, क्यों उसने तो हमें खुशियां दे दी, तो उसके गलत बातों में भी मजा आने लग गया, क्योंकि अब उससे मेरा संबंध ही नहीं रह गया, उस विचार से मेरा संबंध ही नहीं है, उस उससे मेरा संबंध ही नहीं है ना, मुझे उसके उस विचार से मेरा चित्त चलेगा। मुझे तो बस अपना काम करना आता है, क्यों भगवान इस रूप में रह के दिखाता रहता है हमेशा कि देखो भाई स्वार्थ की रचना है, हम भी तो स्वार्थ पर नहीं है, बस ऐसा करके आराम से बचे रहते हैं। अपने मन से ही बचे रहना ही आराम का सबब बन जाता है, शांति का सबब बन जाता है, अगर मन से बचे रहो, अन्यथा बोले कि कांटा भी, वो कली भी प्यारी सी कोमल कली भी कांटा लगती है, सच बता रहे हैं, कोमल कली भी है ना भजन में, बिन गुरु के कांटा लगता हर कली की, कली भी कांटा लगती है, अच्छा भी बुरा लगने लगता है। जितनी देर स्वार्थ पूरा करता है बस उतनी देर अच्छा लगता है। ये जीवन के अपने जीवन में नन्हे बच्चे से लेके बड़े तक के और अपना तक का हाल देख लो, बच्चा जिस समय उसे चाहिए होता है कुछ तो उसका सिर बच्चे का कैसा होता है, तो पापा भी समझ जाते हैं, मम्मी भी समझ जाती है, आज बच्चे को कुछ चाहिए, बोले इसी बात बताओ क्या चाहिए तो जा, लेकिन बच्चा ऐसे तो नहीं बोलते, समझ जाते हैं कि चुपचाप सफर करते करते उसकी निकाल लेते हैं कि देखिए ये किस लिए आया है, आके गले में हाथ डालेगा, ये करेगा वो करेगा, कुछ पानी भी ला के दे देगा जल्दी से, क्यों उसे कुछ बात कहनी है अपने मतलब की। जब बड़े हो जाते हैं तो हमें ही अपनी सोच में ले आते हैं कि अब ये बड़ा तो देखो स्वार्थ से मेरे पास आए, अन्यथा ये जब स्वार्थ नहीं होता तो अपने में मगन रहता है, तब तो इज्जत के दो शब्द भी नहीं बोलता है, क्योंकि उसे हर समय गलती दिखाई देती रहती है, ये मन से बच्चा होता है तो ये मन नहीं समझता, बड़ा हो जाता है तो हम ही सोचने लगते हैं, तो हमने तो बच्चे को बड़ा बना दिया, क्या किया हमने बच्चे को बड़ा बनाया, हमारी सोच में आ गया क्या बड़ा, अब स्वार्थ से पहले बच्चा था तो बात करता था तो हम कभी नहीं सोचते थे, बल्कि मुस्कुराते थे हंसते थे, सच बता एक बच्चे की तरह से कोई जैसे होता है, बड़ा बहुत दमदूसड़ है, बहुत बड़ा बड़ा दमदूसड़ है, मतलब हस्त पुष्ट है, शरीर से भी ऐसा है मोटा ताजा, और अगर कहने से अगर उसको इशारा करो चुप, और वो चुप होके मान जाता तो इतना अच्छा लगता है, इतना हंसी भी आती है उसके बारे में, इतना बड़ा कैसे चुप हो गया मेरे कहने से, सिर्फ एक इशारा किया तो वो बच्चे की तरह से चुप हुआ तो अपने आप अच्छा लग गया ना हमको, लेकिन बड़े के जवाब में हमसे गुरुजी ने कुछ कहा और हमने उसका जवाब दे दिया तो गुरुजी की कृपा दृष्टि कैसे हमें तो बनी कैसे, क्योंकि हम बच्चे तो रह ही नहीं गए, अब हम ज्ञान जानने लगे हैं, उसका जवाब गुरु जी को देते हैं, हम बड़ों को उसका जवाब भी देने लगे, या हमने अपने बच्चे को अब बड़ा बना दिया, दोनों तरफ की बात है, दोनों इसलिए दुखी थे, एक भी सुखी नहीं, वो अपने तल से अपने लिए दुखी अपनी सोच से, हम अपने तल से अपने लिए, लेकिन इस सोच में परिवर्तन जो करता है गुरु करता है, तो तब हमको मन बच्चे ही तो ऐसा ही बात है, बच्चे ही तो हाथ आएंगे किससे हम करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होती, हाँ हाँ बोलो क्या चाहिए, उसे इसकी बात नहीं करती, अभ्यास ही तो है, सोच है सोच, तो सोच में परिवर्तन से बाहर की स्थिति क्या होती है, खराब होती है लेकिन अच्छी लगती है,
अपनी सोच को ही तो पॉजिटिविटी हमेशा दिए रहना, और वो पॉजिटिविटी मन से मिल जाए हमको, तुमको घर में है तो दे देगी, नहीं तो मैं ला दूंगी। बोले वो सोच ही अपनी क्या करना, गुरु के विचार की बनाए, मन के विचार से, क्योंकि हम लोग अज्ञानी है, ना समझ है, मूड है, अबोध है, हम लोगों को कोई बोध नहीं है कि हम आत्मा है, कुछ नहीं पता कि हम क्या है, बिल्कुल इस जगह पे हम बिल्कुल अबोध है। तो थोड़ा सा बोध लेना शुरू करेंगे, अक्ल नहीं, बस गुरु के विचार से, क्योंकि अच्छा लगता है, जैसे माँ बाप के विचार से बच्चा करता है तो माँ बाप की नजर से वो कितना खुश होता है उनके प्यार से, ऐसे ही करते रहे, करता रहे बच्चा, और माँ बाप जब चाहे तब जो है ना उसे, जिस जगह उनके स्वार्थ की बात ना हो, जहाँ उनकी ईगो टकराए, वहां उसे दो चार गाली देते, बच्चा कभी माँ बाप पे विश्वास नहीं करता कि कहाँ जाके मेरी किस जगह उधेड़ देंगे मुझे पता है, बच्चा कभी नहीं विश्वास करता। लेकिन अगर हमारा सारा करा धरा कर्म बेकार, हमने उसके साथ जान लगाई है, लेकिन क्या किया, वक्त पे हमने जो है ना उसको इतना दोष दिया, इतना गंदे शब्द बोल दिए कि कहीं दिल पे जैसे ना छुरी की तरह से, तो बोले काट दिया उसने, तो बताओ क्या आप पे विश्वास करेगा। तो लेकिन विश्वास होता है जब हम गुरु के विचार से मान लेते, हम भी इस शब्द बोल सकते हैं लेकिन हम नहीं, क्यों, क्योंकि हमें मालूम है तेरी करनी, तेरे साथ मेरी करनी है, मुझे तो अपने गुरु को ही दिखाना है कि हमने क्या किया, कहाँ पे तुमको देख के हर समय हम झुके, तो तुमने अपनी आंख मुझे के सामने उठा दी, मिलानी है तो कायदे से मिलनी है, प्यार से बोलने, अन्यथा तो जीवन में सच बता रही है, इतनी भीड़ भुन रहती है, इतना दिमाग परेशान रहता है, किसने हमारे लिए क्या कह दिया, किसने हमारे पीछे में क्या कर लिया, हमारे बारे में क्या कह दिया, कैसे गलत शब्द बोले, कैसे अच्छे शब्द बोले, बोले ये जो जानने की धुनाधुन होती है ये क्यों होती है बता दो, क्योंकि हम असभ्यता कहीं ना कहीं करते, अपने असभ्य व्यवहार से कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ करते हैं, और अगर सामने वाला बताता है तो हम चिढ़ जाते हैं उसके विषय में, हम फिर मन के साथ उनके सफाई देते हैं, तो बोले कहाँ अभी हमको, अन्यथा कोई नहीं, कोई हमें क्या जाने, क्या समझे, और क्या हमारे को उसकी धारणा मेरे प्रति है, ये सब तो उसका विषय है, हम तो जो कर रहे हैं वही तो दूसरे कहेंगे, जो हम कर रहे होंगे, जो हम बोल रहे होंगे, तो उसी के विषय में तो लोग हमसे बात करें, दूसरों से बात करेंगे, तो हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कैसे देखते हैं, ये सब हम अगर गुरु के विचार से कर रहे हैं तो हमें जीवन में फिर इतनी शांति आ जाती है कि यार अगर किसी ने हमारे इस कर्म को देख के गलत कहा है तो चलो ठीक है, हम यहाँ भी अपने आप को संभाल लेंगे, भक्त ये सोचते अगर हम भक्त, और भक्त नहीं है तो हम उस बात की सफाई देते हैं, ये सफाई की बात करते हैं और तकलीफ भी रहती है, तो कहाँ हमको अभावों में भाव मिल रहा है, हमको तो जब माया मिलती है तो हम भाव बात करते हैं, अन्यथा तो हम अभावों में भाव ले आए, विपरीत परिस्थितियों में भगवान देख कर उसकी मर्जी देख के उस जगह रहना और सहना हमें आ जाए, और खुश होके रहना सहना, दुखी होके नहीं, रहना सहना खुश हो तो वो मेरे जीवन का तप हो जाए, तप का फल भी बहुत कुछ है, लेकिन रहे सहे लेकिन दुखी होके तो क्रिया है, तो प्रिया है, कोई हमारे साथ भी करेगा, रहेगा, सहेगा, लेकिन दुखी रहेगा, तो करने का अच्छा ही नहीं लगेगा, कर क्यों रहा है जो इतना दुखी होके कर रहा है, पर हमने भी तो ऐसे किया है, तो सब अपने कर्म का रिटर्न, दूसरे का तोड़ना है, भक्त हमेशा अपने कर्म पे निगाह, और भगवान बाहर कहते हैं आंखों के तोहफे दिए इसलिए अपने मालिक की रहमत को देखे सका, रहमत देखने की कला, आज
हमसे विपरीत कोई बात कर रहा है, कैसा भी चल रहा है फिर इसका, हम उसमें भी रहमत देख लें, उसकी कृपा देख लें, बस इतना सका कृपा देख लें हम, क्योंकि हम भक्त हैं तो हमें शांति मिल जाएगी। हमने उसके विचार से ही अपने को भी अशांत कर लिया तो हम ही व्यक्त हो गए, हम प्रभाव में आए कि माया के, माया ही तो है, अरे जितना है सब माया है, गुरु के विचार के बिना जो कुछ भी संसार में कहते हैं जहां तक गो गोचर है, जहां तक दिख रहा है, जहां तक बुद्धि चल रही है वहां तक माया, माया भगवान थोड़ी ना, माया पति को चाहिए तो फिर तो माया के पति के विचार को अपनाओ, माया पति है कौन, हम लोग हमारा गुरु, हम उसके विचार को अपना के अपने जीवन में चल रहे हैं, अपनी इंद्रियों को खोलना मत करना उसके विचार से कर रहे हैं, हम अपने विचार से कुछ कर ही नहीं रहे, जीवन में अशांति का कारण ही है कि हम सामने कुछ होते हैं पीछे कुछ होते हैं, और कहीं हम सामने और पीछे दोनों अगर मन वाले ही है तो फिर तो और ज्यादा कैसे हैं, बोले और अगर चौकटा नासी वाली बात है तो बोले संयमित होना विपरीत सामने चाहे कैसी हो हमें जीने की कला गुरु जी ने सिखाई, यही तो गुरु जी ने हर पहले हर कली भी कांटा लगती थी, आज हर कांटा भी एहसास देता है कली का, मेरे हित के लिए हो रहा है, फर्क है गुरु के विचार और मन के विचार में रहने का। तो बताओ भक्तों को कैसे अच्छा है, हमें अच्छी तरह से याद है एक बार देखा दीदी जद्दा से ही थी, देखा दीदी रह रही थी तीस साल से पहले माही पे बाहर रह रही थी, गुरु पूर्णिमा का समय था, गर्मी थी, देखा दीदी ने सिर्फ हाथ टिश्यू के बिना अपनी ये जो नैपकिन टॉवल वाले होते हैं उनसे पसीना पोंछ लिया, तो उन्होंने धीमे से कहा देखो गुट्टी दीदी को रैशेज इसलिए पड़ गए क्योंकि टिश्यू से नहीं पोंछे, क्यों ये एक शरीर की आदत होती है, जैसे मुलायमियत में जैसे वातावरण में रह रही थी बच्चे शरीर की एक आदत होती है, लेकिन कहेंगे अगर अभी किसी से बोलने को ये बात तो लोग कहेंगे बड़ी बड़ा अभिमान है इनको देश का, छोटी सी बात की बहुत लेकिन कहीं अंदर तक घुस गई, क्यों क्योंकि देखो कैसे इस शब्द से बोलने से भी क्योंकि अभिमान गलत जाएगा, लोग गलत समझेंगे इसलिए, और जबकि स्थिति उनकी क्या थी उनके गाल पे रैशेस पड़ रहे हैं जो सच बात, तो उन्होंने धीमे से हमसे ये बात बोली, तो सोच के देखो कि कैसे अपने आप को कितना ईगो से और कैसे बचाता है भक्त, ये भी तो देखने वाली बातें होती है ना, तो हम तो बहुत सारी बातें क्यों देखें कौन क्या है कैसा है, तो ये देखें कि उसमें क्या गुण है, दिल गुरु जी ने यही हम लोगों को शुरू में कहा था कि गुणों की गुलदस्ता बन जाए कि मेरे सामने कोई शुरू गुणों का गुलदस्ता लाने की जरूरत नहीं, गुणों का गुलदस्ता बन गया क्या बुरा ये सीख ही तो लिया कि भाई ईगो से ना बोलो ये सब बात, मेरे को ये नहीं मिला तो मेरा ये हो गया, मेरे को वो नहीं मिला, सब ईगो दर्शाती है और किसी को अच्छा नहीं लगता है, चार दिन का साथ भी लगेगा जल्दी से यहाँ से हटे तो अच्छा हो क्योंकि उसे तकलीफ हो रही है, वो बोल रहा है ये चीज सही नहीं वो चीज सही नहीं ऐसे में नहीं इससे ऐसे नहीं उससे वैसा नहीं, कोई क्या है बात, बोले तपस्या कर लो ना, अगर विपरीत था विपरीत तपस्या करने कलयुग में कहीं नहीं जाना है, कोई नहीं तो सिर्फ इतनी जो स्थिति आई है उसमें अपने को संभाल, इंद्रियों को संभाल बस इतना सर, और इसी में देखो गुरु ने क्या क्या दे दिया हम लोग, अरे क्या दे दिया सोच के देखो, वो धन जो कोई दे नहीं सकता, संसार का कुछ भी हम किसी को दे दें लेकिन वो चीज नहीं दे सकता जो गुरु ने अंदर में दी, वही तो हम सबको देना चाह रहे हैं आज भी, ये हर परिस्थिति में हम शांत रह सकते आराम में रह सकते कुछ खुशबू का एहसास कर सकते, कहानियां सुनते हैं अर्जुन और
कृष्ण जा रहे थे तो अर्जुन के कृष्ण के विषय में था बड़ा प्रचलित कि वो हमेशा गुण निकाल लेते हैं, कोई ना कोई अच्छाई देख लेते हैं। तो एक देवता जो है ना लेट गए इस परीक्षा के लेने के लिए, कुत्ते का रूप करके, खुजली वाला गंदा जख्मों वाला कुत्ता, किल्लियां पड़ी उसके, कीड़े चल रहे, ऐसा कुत्ता बन के लेट गए वो देवता। अर्जुन तो जैसे ही सामने आए देखा तो एकदम छिटक गए, अरे कितना गंदा, आपत में आ गया अर्जुन। लेकिन कृष्ण कहते हैं निकलना वहीं से था, पास होना था उन्हें उधर से। तो वो चलते चलते कहते हैं देखो अर्जुन इसके दांत कितने चमक रहे हैं, कितने मोती जैसे सफेद है। तो वो देवता तुरंत फिर प्रकट हो गए, महाराज जो सुना था आपके विषय में वो आपने सही पाया। तो हम लोगों के जीवन में कैसे वो देवता प्रकट होगा, जब हम बुराई में भी एक अच्छाई ढूंढ के ले आएंगे। तो वो देवता कौन सा देवता, भगवान गुरु की प्रसन्नता रूपी, गुरु की कृपा रूपी देवता प्रकट हो जाएगा, जहां चाहो वहां प्रकट कर। और देखो फिर क्या होता है जीवन, तो क्या हम उसको प्रकट करने के अभ्यास में लगे रहते हैं या हम अपने मन के देवता को ही प्रसन्न करने में लगे रहे। ये हमारा आपका अपना चुनाव है, चुनाव अपना अपना है, जो चुनाव उसी का मजा भी मिलेगा, उसी की सजा भी मिलेगी। मजा और सजा दोनों है ना, मजा चाहिए या सजा चाहिए, चुनाव हमारा तुम्हारा। बच्चों से कहा जाता है देखो पढ़ के तो तुम जिस चीज के लिए आज मांग रहे हो अधिकारी बन जाओगे, अपने पैसे से तुम ले आओगे, तो इसके लिए तुम्हें ये पढ़ना चाहिए, पढ़ाई चुनाव बच्चे का नहीं। हम तो आज के भी नहीं, क्योंकि आज मिल रहा है सब कुछ, पापा का तो है सब मिल रहा है, बच्चा खेलता रहे घूमता रहे पढ़े ना, क्योंकि ऐश्वर्य मिला पड़ा है तो वो हमेशा पापा के सामने हाथ लगाता रहे। परिस्थिति के कारण ऐसा हो एक अलग बात, लेकिन वैसे अगर ऐसे ही रहेंगे ना, क्योंकि बात ऐसे ही गुरु की है कि हम गुरु की बात माने ना, किसी भी जो विपरीतता है उसमें हम तपस्या ही ना करें, तप करें ही ना, क्रिया की तरह से उसको ले, तो कहाँ से हमसे गुरु लीजिए और कैसे हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो, और कैसे जब तक गुरु लीजिए नहीं तब तक सारी प्रकृति आपके अनुकूल कैसे हो सकती है, क्योंकि प्रकृति भगवान की और भगवान गुरु का, भगवान की दासी प्रकृति और गुरु का दास भगवान, उसके आदेश पे काम करते हैं। क्यों बोले वही है ना, कोई भी जगह पे क्यों कहा जाता है भगवान देखने लगना, भगवान देखने लगना क्यों, भगवान अगर गुरु लीजा है, गुरु के विचार से अपने जीवन को चलाते हैं, तो भगवान दास है गुरु का, वो हमारे तुम्हारे रूप में प्रकट होके किसी ना किसी, बोले कहीं डॉक्टर के रूप में, कहीं स्वीपर के रूप में, कहीं किसी रूप में प्रकट होके वो भगवान गुरु के आदेश को पालन करता रहता है और भक्त को उसकी गोद मिलती जाती है, गुरु की गोद, कृपा का अधिकारी बनता जाता है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी मार्के पे जिनपे कहते हैं, जब लिखते हैं तो बोलते हैं ना कि कहाँ सेंटेंस खत्म हुआ है, तो कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ कुछ और लगता है, पैसा वाला जो बोला नाम नहीं सही, तो वो सब चीजें आपको पढ़ने से मालूम होती ना, पढ़ाई के दौरान करते करते पढ़ाई मास्टर आपको बताता है। तो बस वैसे ही ये ज्ञान है कि आपको अपने आप मालूम हो जाएगा कहाँ हमको फुल स्टॉप कर देना है अपने आप को, कहाँ हम कॉमा करके थोड़ा ठहर के आगे इस चीज को लेना है, कहाँ जो है हम अगर हमारे
आश्चर्यजनक एक हलंत होता है, एक फाइन होता है, तो उसमें है तो आप आश्चर्यजनक को थोड़ा सा आप और धीरे धीरे देखिए, आश्चर्य आपके आश्चर्य का रहस्य भी खुल जाएगा, सब हो सब कुछ होगा, यही तो होता है दिमाग से। तो आप कर क्या रहे हैं, गुरु को लेके जीवन में चल रहे हैं या आप बन के गुरु को लाद के चल के ले रहे हैं, तो थकावट तो रही है उसकी आपके जीवन में, तकलीफ तो रही है उसकी, हम गुरु को भी ला दें और हमें हमें चलना दुश्वार है, हम गुरु को भी ला दें। गुरु तो ही रहने दें, हम गुरु की गोदी में रहें, गुरु ही कौन से चले, उसके लिए कोई बाहर का दृश्य तोड़ना करना है कि गुरु हमें गोदी में उठा के कंधे पे उठा के चलेगा बच्चे की तरह। सिंपल सी बात है कि हमें गुरु के विचार से जीवन को अपने चलना है, गुरु के विचार से अपनी इंद्रियों ही को बार बार वही आ जाता है, और साधना तो पड़ेगा चाहे वो हम हो चाहे आप। कहाँ हम गुरु के विचार से रहते हैं, जहाँ हमें मन मौका मिल जाता है हम उसके साथ पता नहीं क्या क्या बोलते, पता नहीं क्या क्या, जहाँ हम अपने आप को बोल सकते हैं बोल सकते हैं। क्या किया गुरु को ही रूठता नहीं है, लेकिन गुरु की कृपा से हम थोड़ी देर के लिए ठहर जाते हैं, वो अमृत वर्षा थोड़ी देर के लिए थम जाती है, बस इतना और कुछ नहीं। क्यों गुरु के विचार को तो लेके रहे ही नहीं, तो अमृत वर्षा जो होने वाली थी तो थम गई, बस इतना हो, ये तो ना दंड देगा, कोई दंड नहीं देता, याद रखना आप तो बिल्कुल गुरु जी को जितना जितना जानते जा रहे हैं उतना उतना एक एक विचार पे पक्का दृढ़ता रखती है, पक्का दृढ़ विचार होता है कि जो कुछ है अपने कर्म चलनी में दूध दो जबरदस्ती हो, ऐसा हाल है, अपनी करनी का ही फल है सब आगे पीछे, दूसरे की करनी का फल नहीं है मेरे जीवन में, अपनी करनी का फल, अपनी करनी का उल्टा फल है जो अच्छा जरा सा है वो गुरु की कृपा, उसका शुक्राना, अपना कुछ नहीं। ये विचार कितने अंदर धसा होता है, बुद्धि में होना चाहिए, बुद्धि में ये विचार धसने के लिए जमाने के लिए तो गुरु के विचार पे अपनी इंद्रियों को साधना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या उसको कहते हैं जो सहर्ष करी जाती है, जो झिक के पटके कर रहा है वो तो तपस्या नहीं, क्रिया है हमारी, वो कोई कोई तप अप नहीं कहलाएगा, वो क्रिया कहलाती है, क्रिया का फल हमको भी ऐसे ही मिल जाएगा भविष्य में, मिलेगा लेकिन मिल तो जाएगा ही, क्योंकि हमने किया है तो इसको वो भी कर देगा, कोई जनक पटक के हमारा करेगा, जनक पटक के करेगा, हमें कितना बुरा लगेगा। सत्य ज्ञान गुरु सत्य है, जितना सत्य धारण करो